देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा। इतनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई। क्या उनके मन की बात है, उसके मन को हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है अंदर से ही, और आरजेडी के साथ आखिर क्या डील हुई है नीतीश कुमार के, ये भी बताना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है, और आज बहुत भली भांति से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है, इंटैक्ट है गठबंधन। गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है, ये बताना चाहिए। वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लगातार बयान क्यों करें? अब क्या उनके मन की बात है, उसके मन को हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी काल ये सुना है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी प्रभाव सुना है हम, तो हो सकता है उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी। लेकिन इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई डील की बात है। वो एज यूजुअल जो राज की सेवा है लगातार 17-18 वर्षों से कर रहे हैं। मान लीजिए, उन्होंने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार हुआ है तो वही एक ऐसे नेता थे जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये उनकी बड़प्पन है, अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई त्रासदी आई है और कोई उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम है कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने देख लेते हैं। वो आरसीपी से कह रहे हैं कि गठबंधन लगभग टूट गया।